नीम पूजन के लिए सबसे पहले क्या क्या सामान आपके पास होना जरूरी है वह आप अच्छी तरह से देख लें। स्क्रीन पर भी मैं सामान लिख रहा हूं, यहां से भी आप सामान नोट कर लें। नीम पूजन के लिए आवश्यक सामग्री: चांदी का नाग नागिन का जोड़ा, तांबे का कलश, हल्दी की गांठ 7, यज्ञोपवीत या जनेऊ 2, पंचरत्ना 1, सुपारी 7 नग, कोड़ियां 7 नग, नई ईंट 5, चावल 500 ग्राम, फूल गुलाब के हो, गेंदे के हो, सदाबहार हो, दूध 1 कटोरी, 1 घी का दीपक, शहद छोटी शीशी, आम की टहनी हरे पत्तों वाली 1, मिठाई लड्डुओं का डिब्बा 1। ये सामान आपके पास नीम पूजन के समय होना बेहद जरूरी है। अब नीम पूजन किस प्रकार से करेंगे, विधि क्या है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आराम से आप इस विधि को सुने, आराम से आप इस वीडियो को चलाकर नीम पूजन कर सकते हैं। जहां पर नीम की खुदाई की हुई है वहां पर आप अपने बैठने के लिए कोई कपड़ा बिछा लें। आपने एक थाली में सतिया या स्वास्तिक का निशान बना लें। अब आप उसके सेंटर में थोड़े चावल रख दें और एक सुपारी के ऊपर कलावा या परांदा बांध ले, उसको गणेश जी बना लें। अब आप इस गणेश जी को स्वास्तिक के मध्य में रख लेंगे। अब आप सबसे पहले जितने भी सदस्य बैठे हैं गंगा जल से हाथ धो लेंगे, उसके बाद सभी गंगा जल पियेंगे, उसके बाद दोबारा सभी हाथ धोएंगे। अब आप जो घी का दीपक रखा है उस दीपक को जला लेंगे, उस दीपक को आप चेतन कर लेंगे। अब परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी अपने हाथ में फूल चावल लेकर भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति भगवान, हमारे इस मांगलिक कार्य में कोई विघ्न कोई त्रुटि ना हो, हमारा जो ग्रह प्रारंभ का कार्य है वो निर्विघ्नता परिपूर्ण हो, इसलिए आज यहाँ पर नीम पूजन हम कर रहे हैं और सबसे पहले आपका पूजन करते हैं। सभी हाथ में फूल चावल लेकर अपने मन में ओम गं गणपते नमः का ध्यान करेंगे। मैं स्वस्ति वाचन प्रारंभ करता हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तारक्षो अरिष्टनेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्या, पय ओषधेषु, पयो दिव्यान्तरिक्षे, पयो धा, पयस्वते, प्रदिशः सन्तृमयं महाविष्णोरराटमसे, विष्णो सन्पात्रे स्थो विष्णो स्योरासे, विष्णो ध्रुवसे, वैष्णवमसे विष्णवे त्वा, अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मारुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगः
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतो हरिओं विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुवाय भद्रं तन्न आशुवा इमा रुद्राय तवसे कपर्दिनीक्षय द्विराय प्रभरामहे मते यथाशमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नरातुरं मा एतन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यजमव तेन यजपति तेन वामव मनो ज्योतिरजुखतामाजस्य बृहस्पति यजमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञवं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा एकवै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिषिदं भवतु हरिओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसोमम् अहं जानि गर्भधं मातुं जासि गर्भधं मा नमो गणेभ्यो गणपतिवश्यवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रात्पतिवश्यवो नमो नमो ऋतसेभ्यो गृहस्पतिवश्यवो नमो नमो वीरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्यवो नमो नमः हरिः ओम सुमुखे देकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बो द्रश्य व्यक्तो विघन्नाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननम् द्वाशेतानि नामानि अर्थे शृणुयादपे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटेश्येव विघंसस्य न जायते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्याकोटे समप्रभा निर्विघ्नम् कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ॐ श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। सभी से फूल चावल ले लेंगे जो मुखिया है, जो परिवार में सबसे बड़ा सदस्य है, वो सभी से फूल चावल लेकर अपने हाथ में रख लेगा। आप अपने लेफ्ट हैंड में फूल चावल रख लें, राइट हैंड से थोड़े थोड़े फूल चावल जो आपने गणेश बनाया हुआ है, जो थाली में रखा हुआ है, जब मैं नमः बोलूंगा, नमः पर आपने गणेश जी के ऊपर फूल चावल अर्पण करने हैं, अपने मुख से भी आपने नमः बोलना है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम कमलकांताय नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्व देवी देवताभ्यो नमः, ओम सर्वे ब्राह्मण देवताभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय, अब की बार सारे छोड़ देने हैं, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। बोली गणेश जी भगवान की जय। अब आप अपने राइट हैंड में जो मुखिया है, जो मुखिया है घर का, अपने राइट हैंड में आप फूल चावल दूर्वा एक रुपए का सिक्का रख लें और राइट हैंड में जल डाल लें, और जो लेफ्ट हैंड है वो ऐसे ऊपर रखना है। मैं संकल्प बोलता हूं, आपने पूर्ण होने पर उसको गणेश जी को अर्पण कर देना है।
ओम हरि ओम विष्णु 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 नमो परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हीन द्वितीय प्रहार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे आर्यव्रत अंतर्गत है पुण्य प्रदेश है जो आपका राज्य है, राज्य का नाम बोले पुण्य प्रदेश है, अमुक प्रदेश है, अमुक ग्रामे जिस जगह पर आप रहते हैं जो आपके जिले का नाम है उसका नाम बोले, अमुक नगर है अद्या अमुक गोत्राय अपना गोत्र बोले, अद्या अमुक नाम ने अपना नाम बोले, भूमि पूजन करणार्थ हेतु गणेश देवताजी प्रसन्न करणार्थ हेतु स्वस्ति वाचन उपरांते संकल्प मैहं करिष्ये गणेश जी को अर्पण कर दे, बोले गणेश भगवान की जय। तो ये आपका संकल्प हुआ। अब आप सभी हाथ में फूल चावल ले लें और जो पांच नई ईंट आपके पास रखी है उनका भी आप ध्यान करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते अर्पणमस्तु। नई ईंट के ऊपर आप फूल चावल छोड़ दें। अब जो नई ईंट रखी है उसके ऊपर आप जल का, दूध का, शहद का थोड़ा थोड़ा छींटा लगा दें। अब आप जो है जो तांबे का कलश आपके पास है उसमें आप चावल भर लें ऊपर तक। उस कलश में आप आम की टहनी लगा दें, नाग नागिन का जोड़ा उसमें रख दें। उसके बाद जो जनेऊ यज्ञोपवीत आपके पास है वो भी आप उसी कलश के ऊपर रख दें। अब आप इस कलश को अपने हाथ में रखें, मैं मंत्र उच्चार करता हूं। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः समुद्रवसने देवे प्रवसन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श शमस्वमे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलं छन्दः आसनोपवेशने विनियोगः। कलश को अपने पास रख लें। अब जो नई पांच ईंट है उनको आप लगाने की व्यवस्था करें। अच्छी तरह से पांचों ईंट लगाने के बाद आप जो तांबे का कलश आपके पास है वो आप उन ईंट के ऊपर रखें, जो जलता हुआ दीपक है वो भी आप वहीं ईंट के ऊपर रखें और हाथ में फूल चावल लेकर के आप सभी देवी देवताओं को नमस्कार करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोली पृथ्वी माता की जय। शेषनाग भगवान का ध्यान करने नमस्ते अस्तु सर्पेभ्यो ये केश पृथ्वी मनो यंत्रिक्षेदितेभ्य ओम वास्क्यादश कुल नागेभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर मोक्षीयमामृतः तः भगवान शंकर देवाय नमो नमः। हाथ के फूल चावल जो ईंट रखी है नींव की उनके ऊपर छोड़ दें और बूंदी के पांच लड्डू आप उन ईंट के ऊपर रख दें। ये आपका नींव भूमि पूजन संपन्न हुआ सूक्ष्म रूपे। बोलिए शेरावाली माता की जय।